नमो वज्जायाण नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्च नमोकारो सर्वपापणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेशिं परमं भव इमङ्गलम्। नमस्कार। महामंत्र की साधना हम कर रहे हैं और करते करते लगभग आज 15वां प्रयोग आ रहा है। आप जिस तरह से नमस्कार महामंत्र की साधना कर रहे हो, इसके अंदर मुख्य लक्ष्य ये है, माला हाथ में न लेते हुए भी बरोबर 108 नवकार गिने जाए, न तो 107 हो न 109 हो, बरोबर 108 हो। और ये हेतु क्यों बदला है कि ना तो आपको गिनने में कोई ध्यान जाए, ना आपका कोई संख्या में ध्यान जाए, ना किसी पर जाए, तो बरोबर हमारी निद्रा व्यवस्थित हो। आप सबको नवकार आता ही है, उसका उद्देश्य है सब पाप प्रणाशनो, सब पाप कर्म का नाश हो, ये मुख्य उद्देश्य रखा है। अब सब पाप कर्म के नाश का हेतु हमारा बदलना नहीं चाहिए। अगर ये हेतु आपका बीच में निकल गया तो बाहर के दूसरे हेतु फिर आने लग जाएंगे। अब दूसरे हेतु आएंगे तो सुख दुख क्या आएंगे, कोई कहेगा मेरा ये दुख टले, कोई कहेगा मेरा ये दुख टले, कोई कहेगा मुझे ये सुख मिले, तो ये आपके जो है सुख दुख के बाहर के हेतु आ जाएंगे, फिर निद्रा नहीं होगी। पहले ध्यान में रखिए, दुख का कारण भी कर्म है, कर्म का कारण पाप है। दुख आया कहां से, कर्म के उदय से आया। कर्म कहां से बना है, पाप करने से बना है। तब पाप के कारण जब दुख सामने आया है तो पहले हमारा लक्ष्य है सब पाप प्रणाशो, सब पाप कर्म का नाश हो। हम ये तो नहीं बोल रहे नवकार में सब दुख प्रणाशनो, शास्त्र में नवकार महामंत्र में ये शब्द नहीं है, तो केवल सब पाप प्रणाशनो का शब्द है। तो वो उद्देश्य हमको स्थिर रखना है। अब इसमें क्या किया कि मन वचन काया के तीन योग, अब तीन योग में से हम काय योग को आसन में स्थिर कर ले, वचन योग को मौन द्वारा बंद कर दें, अब रहा एक ही मनोयोग। अब मन को ही काम पर जोड़ेंगे ताकि बरोबर जो है मन से आपका लक्ष्य रहेगा कि मन को ही काम, तो पूरी साधना मन करे। अब क्यों हो ये तीनों योग, काय योग से भी कायिक आश्रय होता है, कायिक कर्म का बंध होता है, वचन योग से वाचिक आश्रय होता है, वाचिक कर्म का बंध होता है, और मनोयोग से मानसिक आश्रय होता है, मानसिक कर्म का बंध भी होता है। आत्मा को कर्म बांधने के लिए ये तीन मार्ग है। अब तीनों रास्ते हैं, तो काय योग आपने आसन में स्थिर कर लिया, अब हलन चलन नहीं करेंगे तो काया तो जल्दी स्थिर हो सकती है था। आपको जो आसन लेना था आपने लिया, आप एक आसन के अंदर स्थिर होकर बैठ गए। अब जब एक आसन में आपने स्थिरता लाई, अब शरीर का हलन चलन नहीं होगा, तो आप बरोबर काय योग के आश्रम से बचेंगे और कायिक संवर आपका बरोबर होगा। अब वचन योग के अंदर भाषा प्रयोग से बोलना है तो हमने वो भी दरवाजे बंद कर दिए, जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं। अब जीभ हिलाए बिना, होठ हिलाए बिना मन में अंदर नवकार गिनना है, तो जब मन उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा नवकार गिनने में, अर्थ भाव के अंदर और क्रम के अंदर, तो बरोबर मन कहीं भाग नहीं सकता है, शांति चाहिए साहब। पहले समय सही लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त का शांति का समय आपको सही हो, ताकि आप थके हुए नहीं होने चाहिए, ये लक्ष्य रखिए। अगर आप पूरे दिन का काम करके रात को करते हैं तो शरीर की थकान फिर आपको नींद में ले जाए, ऐसा भी नहीं करना है तो आपका लक्ष्य रखना चाहिए या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के साधना करो, या जब भी आपको पूरी शांति का निश्चिंतता का समय मिले तब करो, ताकि दूसरे और किसी कारण से आपको जल्दीबाजी ना हो, दौड़ना भागना धुमना ये ना हो।
तो ये लक्ष्य रखिए आप। अब आया ख्याल में आपको? चलिए, आज हम नवकार मंत्र की साधना जो करते हैं वो जिस तरीके से करेंगे, बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित तरीका है घड़ी, वॉल क्लॉक, सबके ध्यान में है, सब बार बार देखते हैं और एक से लेकर 12 अंक तक की संख्या लिखी होती। तो अगर मान लो कि कोई कंपनी ऊपर फिगर न भी लिखे और सिर्फ जो है कांटे घूमते रहेंगे तो भी आप बताएंगे इतने बजे हैं। वैसे यहाँ पर कांटे हैं और साथ में अंक संख्या लिखे, फिगर लिखे हुए, तो भी आपको ख्याल आएगा अब 3 बजे, अभी 2 बजे, अभी 9 बजे। तो ये है एक तरीका। ये तरीका मैं यहाँ पर अपना करके घड़ी को बेस बनाया, आधार बनाया, और घड़ी के बेस में हमने नवपद के कमल की रचना करके लिख दिया। तो 9 पदों की कमल की रचना करके लिखने से एक बड़ा आसान हो जाएगा कि एक एक कमल के अंदर 9 9 9 9 की संख्या लिखते लिखते 12 के अंदर 108 तक की संख्या आ जाएगी। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर चित्र बता रहा हूं तो ये आपके सामने ख्याल आ जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह से, यहां से देखिए तो फिगर आपको ख्याल आ रहा है, ये पहला कमल, अब इसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्या, ये दूसरे जो घड़ी का आकार चल रहा है, तो घड़ी के ऊपर ये पूरी क्रम से, यहाँ पर ये पहला कमल है 1 से 9 तक, फिर यहाँ पर ये देखिए आप दूसरा है, तो दूसरे कमल में 2 से लेकर के ये 10 से लेकर के आपको 18 तक की संख्या मिल गई। आइए ये तीसरा कमल यहाँ पर देखिए, अब तीसरे कमल के अंदर आपको अच्छी तरह से ख्याल हो गया 19 से लेकर के 27 की संख्या आ गई। इधर देखिए ये चौथा कमल है, नंबर 4 लिखा है अंक संख्या, अब चौथे के अंदर 28 से लेकर के आप 36 तक आ गए, ये संख्या आपकी बरोबर चल रही है। अब यहाँ आए आप सामने, पांचवा कमल 5वें नंबर पर है, तो इसके अंदर आपको 37 से लेकर के 45 तक आ गए। अब ये आया यहाँ पर छठा कमल, देखिए अब इसके अंदर आपने आगे बढ़ते हुए 46 से लेकर के आप 54 तक आ गए। अब ये क्रम चल रहा है, यहाँ पर ये 7वां कमल आया, बरोबर देखिए सब ध्यान से आपको ख्याल आ जाएगा, अब 55 से लेकर के आप 63 तक की संख्या पर आ गए, ये 63 की संख्या हो गई। आइए 8 बजे का टाइम हो गया, ये 8वां कमल यहाँ पर सामने दिख रहा है आपको बरोबर, अब इसके अंदर देखिए आपको बरोबर क्या है, 64 से लेकर के 72 की संख्या तक आप पहुंच गए, बरोबर स्पष्ट देखते जाइए। ये यहाँ पर 73 की संख्या, 9 बजे अब 9वां कमल आया 73, 73 की संख्या से लेकर 81 तक आपके नौकार, बरोबर एक पर एक नौकार गिनना है। अब आइए 10वें नंबर पर 10वां कमल है, यहाँ पर देखिए 82 से लेकर के आप चले हैं साहब 9 कमल में, 9 नौकार गिनेंगे 90 तक पहुंच गए। अब ये 11वां नंबर आया, 11 बजे का टाइम समझ लो, तो यहाँ पर आप आए 91 से लेकर के गिनिए आप बरोबर 99 तक पहुंच गए साहब, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर आए 12 बजे का, ये 12 बजे का कमल है, इसके अंदर आप आए तो 100 से लेकर 108 तक आप पहुंच गए, बरोबर आपके 108 नौकार हो रहे हैं और 108 ही क्रम में होंगे, एक भी कम नहीं एक भी ज्यादा नहीं। अब आप क्या करिए कि ये प्रिंट आपको यहाँ पर मिल रही है सामने, मैंने भेजी है, अब आप इसका प्रिंट आउट निकालिए, थोड़ी A3 साइज में बड़ी कर लो, अब इसको आप सामने रख दीजिए। अब ये सामने रख करके आपको दृष्टि इसके ऊपर स्थिर करनी है और कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ दृष्टि इसके ऊपर स्थिर करिए, ताकि क्या होगा कि दृष्टि इसके ऊपर स्थिर होने से सिर्फ आपको क्रम से चलना है। यहाँ पर आपने पहला नौकार, दूसरा नौकार, तीसरा नौकार, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 9 नौकार आपके इसके अंदर पहले कमल में हो गए। आपको कोई गिनती नहीं करनी है, कोई माला नहीं लेनी है, अब ये माला ही हो गई आपके लिए साहब, आपको कुछ भी नहीं लेना है, इसी पर चलना है क्रम से। तो आपको फिर ये पहला हुआ 9 नौकार हुए, अब 9 नौकार गिनेंगे कैसे, आप जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं,
बिल्कुल मौन रखेंगे तो क्या होगा कि अब मन नवकार गिनेगा शांति से। जब आपका मन अंदर से गिनेगा थोड़ी स्पीड स्लो होगी और उपयोग भाव वहां जागृत रहेगा, अवेयरनेस, तो वो जो अवेयरनेस आपकी बनेगी उसमें स्थिरता आपकी आ जाएगी। अब वो करते करते आप दूसरे कमल पर आइए, फिर यहाँ पर ये दूसरा फिगर दिया है और दूसरे पर आपने फिर नौ नवकार गिने, फिर यहाँ से आप आइए तीसरे पर, फिर आपके नौ नवकार हो रहे हैं। सब जो फिगर लिखा हुआ उसके ऊपर दृष्टि चलाई, जो फिगर सामने आ रहे हैं दिखाई दे रहे हैं बस उसके ऊपर दृष्टि स्थिर करना है, तो आपको दूसरा कोई प्रश्न ही नहीं है। अब क्या काम आ रहा है, मन काम कर रहा है, मन उसमें लग गया है, तो मन के लगने से बरोबर दूसरे विचार बंद हो गए। अब दूसरे विचार बंद हो गए तो मन वहां पर रहेगा दृष्टि के लिए। नियम क्या है, इंद्रिय के पीछे मन जाता है, एक जगह पर इंद्रिय आकर के स्थिर हो गई, दृष्टि स्थिर हो गई, अब मन वहां पर बरोबर लगा रहेगा। तो आपको इधर उधर के विचार आएंगे ही नहीं, एक भी विचार इधर उधर का नहीं आएगा, बरोबर रहेगा। आइए तीसरे नंबर पर, बरोबर जो है तीसरा नंबर आया है, आप 19 से लेकर के 27 तक नौ नवकार आपको गिनना है। कोई जल्दीबाजी मत करिए, शांति से बरोबर आप नवकार गिनते जाइए, मन में गिनते जाइए। नवकार मंत्र सबके लिए एक सरीका है, आप संप्रदाय कोई भी हो, पंथ और गच्छ कोई भी हो, नवकार सबके लिए एक सरीका है और अर्थ भी एक ही है। आप नवकार का अर्थ बदल नहीं सकते हैं। नवकार के अंदर मुख्य हेतु आया एसो पंच नमुकारो सब पाप प्रणासनो, मैंने इन पांचों परमेष्ठी भगवंतों को जो नमस्कार किया है उससे मेरे सब पाप कर्म का नाश। आप पहले क्या करेंगे, जब भी आप साधना शुरू करो तो नमस्कार मुद्रा के अंदर संकल्प पहले करिए, जस्ट रिपीट 3 times। आप 3 बार अपना संकल्प दोहराइए, मैं जितने भी नवकार गिनूं मेरे सब पाप कर्मों का नाश करने के लिए गिनता। कोई सुख दुख की अपेक्षा इच्छा बीच में नहीं है, सिर्फ मैं मेरे सब पाप कर्मों का नाश करने के लिए ही नवकार गिन रहा हूं। आप जस्ट रिपीट इट 3 times इन माइंड, सिर्फ विचारों के अंदर, तो क्या होगा कि मन उसी जगह पहुंचेगा और लक्ष्य आपका कर्म क्षय का निद्रा का बन जाएगा। तो ये स्थिति, उसमें मन बरोबर स्थिर होना चाहिए। अब मन स्थिर होकर के लक्ष्य दे करके करे, काम हो जाएगा आपका। अब वचन योग मौन कर दिया इसलिए जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं। अगर हम जीभ हिला करके होठ हिलाकर प्रोनाउंसिएशन के साथ करेंगे तो फिर वचन योग आपका शुरू हो जाएगा। जब आप बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे और बिल्कुल जीभ हिलाए बिना हो हिलाए बिना करेंगे तो बरोबर स्थिरता बनी रहेगी। अब मन इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या होता है कि जब हम मेमोरी में से लेकर के जीभ हिलाते हो हिलाते हुए बोलते हुए करते जाते हो, इधर उधर देखते हुए करते जाते हो, फिर मन जो है बाहर भागने लग जाता है। आपने माला हाथ में ले ली तो फिर वहां गिनती तो फिक्स हो गई, माला तो मनके के हिसाब से बरोबर चलेगी, तो मन आपका भागने लग जाता है। ऐसे मन को रोकना है। मन जब आत्मा का साथ छोड़कर के बाहर भागेगा तो दूसरे विचार जरूर करेगा सब। अब दूसरे विचारों में से आपको बाहर निकलना है, ये उद्देश्य आपका हेतु है, तो बरोबर मन को इसमें इन्वॉल्व करके जोड़ो। अब मन किसके साथ चलेगा, चक्षु इंद्रिय के साथ। अब जैसे चक्षु इंद्रिय आंख आपकी यहाँ पर स्थिर है और आंख क्रम से चल रही है, तो हमने एक सीक्वेंस में ऐसे फिगर नहीं लिखे, सीरियल वाइज एक सीक्वेंस में नहीं है, थोड़े इधर उधर अनइवन अनइवन और इवन के साथ में अलग अलग तरीके से फिगर लिखे, तो बरोबर क्या होगा कि दृष्टि अपना फिगर तो ढूंढ लेंगी, आंख तो बरोबर फिगर ढूंढ लेंगी, अब मन उसके पीछे बरोबर वहां पर नवकार गिनेगा। जैसे ही दृष्टि यहाँ से एक फिगर आगे बढ़ी, मन वहां पर जो है अपने अंदर मन में पूरी तरह से नवकार बोलते, तब जाकर के धीरे धीरे शांति से होगा। और वो धीरे लगने पर, मान लो आपको नवकार वाले गिनने में 108 नवकार गिनने में 20 मिनट लग गई, 25 मिनट लग गई, 30 मिनट लगे, आप समय को देखेंगे नहीं, घड़ी सामने ही मत रखो,
इतनी निश्चिंतता का समय हो तभी साधना करने बैठो, तब आपको जाकर के ख्याल आएगा कि हाँ अब आप बरोबर जो है मन लग रहा है, स्थिर हो रहा है। तो जैसे ही आपको रियलाइज हो जाएगा कि मन बरोबर इन्वॉल्व है, उसके अंदर साथ में लग रहा है, तो आप जो है बरोबर करिए। हो गया ये तीसरा क्रम। तीसरे क्रम के कमल के अंदर 19 से लेकर 27 नव कार गिने आप, आपको कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं। चौथे नंबर के अंदर आए यहाँ पर आप, तो चौथे कमल के अंदर आप बरोबर जो है 28वां से लेकर के 36 तक आप नवकार गिन रहे। तो ये धीरे धीरे आप क्रम को देखते जाइए, गिनते जाइए। आपको पहला सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा प्रयत्न करें कि प्रत्येक बार नवकार जब भी बोला जाए तो उसके पीछे अर्थ की एक साउंड आनी चाहिए, अर्थ की ध्वनि आनी चाहिए, अर्थ से भाव आएंगे। नमो अरिहंतानम, अरियों का हनन करने वाले अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धानम, सर्व कर्म मुक्त सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, 36 गुण के धारक आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। नमो उवच्छायाणम, 25 गुण के धारक उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार हो। नमो लोए सर्वसाणम, ढाई द्वीप लोक क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र में रह हुए सभी साधु साध्वी जी को मेरा नमस्कार हो। एसो पंच नमुकारो, इन पांचों परमेष्ठियों को किया हुआ नमस्कार। सब पाप प्रणासनो, मेरी आत्मा पर से सब पाप कर्म का नाश कर। बस और कोई उद्देश्य नहीं। मंगलानम च सव्वे सिम, सभी मंगलों में परमम हवई मंगलम, पहला मंगल है, प्रथम मंगल है। अब इतना सा अर्थ आप जो है पीछे चलने दीजिए। जब आप गिन रहे हो नवकार बोल रहे हो, नमो रिंतानम नमो सिद्धानम बोल रहे हो, अब उसमें एक एक पद के पीछे आपका थोड़ा सा अर्थ चलेगा तो अंदर भाव आएगा। अर्थ चलने पर जो भाव आपके बनेंगे तो वो निर्जरा में आपका गुणाकार बढ़ाएंगे। आप गिन रहे हो बिना अर्थ के, गिन रहे हो भाव नहीं आ रहे, बिना अर्थ के गिन रहे हो और मन उसमें इन्वॉल्व है, चलो कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ रहा है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो बरोबर आपकी एकाग्रता और स्थिरता आ रहा है ख्याल में आपको। ये दो चीजें तो सामने आनी चाहिए, एक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए और दूसरी स्थिरता बढ़नी चाहिए। अब काय योग की स्थिरता हमने कर ली, वचन योग की कर ली, अब मन को इन्वॉल्व करके आपने स्थिरता और कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही जोड़ दिया सब। अब दोनों ही जब जोड़ा तो आपकी एकाग्रता बन गई। अब हमारी जो हमेशा की कंप्लेंट्स है, सबकी कंप्लेन हमारी क्या है कि मन स्थिर नहीं रहता है, मन शांत नहीं होता है, मन लगता नहीं है और विचार आते रहते हैं आते रहते हैं, बाहर के विचार चलते रहते हैं। तो फिर हमने नवकार गिना तो भी, नहीं गिना तो भी क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसा न हो तो आप ये लक्ष्य रखिए कि हमको एकाग्रता पूरी लानी है और उसी हिसाब से करना है। ऐसा ये आइए पांचवें पद पर, पांचवें क्रम में, यहाँ पर आपने क्या किया बरोबर 37वें से लेकर के आप आगे बढ़े और आते आते 45 हो गए आपके। यहाँ आप छठे क्रम में आइए, 47 से आपने शुरू किया, यहाँ पर 46 से शुरू किया, 46 से लेकर आप चले तो बरोबर आपके होते 54 तक आप पहुंच गए। अब आइए 7 बजे के क्रम में कमल में आइए, एक कमल आप आगे बढ़ रहे हो। 7वें कमल में आए तो यहाँ पर आपने 55 से शुरू किया है, 63 पर पहुंच गए, एक धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ रहे हो। नंबर 8, ये 8वें कमल पर आप यहाँ पर आए, अब 64 से आपने चालू किया है और आते आते 72 पर आ गए। अब 8वें से 9वें क्रम में आ रहे हो तो 9वें कमल के अंदर यहाँ से 73 से चालू किया और 9 नवकार गिनते आप 81 पर आ गए, बरोबर है। 10वें क्रम में आए, 10वां कमल यहाँ पर है, ये 82 से आप निकले, 90 तक पहुंच गए।
अब इसमें बीच में नवकार भी लिखा हुआ है, खैर नवकार तो सबको आता ही है, आप जानकार है, इसलिए वो भी प्रश्न नहीं है। अब यहाँ से 11 बजे में आप 11वें कमल में आए साहब, तो 91 से लेकर 99 तक आपके हो गए बरोबर, आपको ख्याल आ रहा है। अब आप 12वें कमल में आए, तो 12वें कमल के अंदर आप 100 से लेकर के फिर 9 नवकार गिनिए, 108 आपके पूरे हो रहे हैं। अरे ख्याल में ये चित्र है। अब ये जो भी आप लोग पहले ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको फायदा होगा, एक तो सबको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, पिक्चर भी मिल जाएगा, और आपको ख्याल भी आ जाएगा। वापिस जिस दिन होता है, गुरुवार को क्लास होती है, शुक्रवार को ग्रुप खुला रखे, आपको जिसको पूछना है, आपको वापिस कुछ लिखना है, आप अपना एक्सपीरियंस लिखिए अलग अलग तरीके से, तो भी ख्याल आ जाएगा। आप लोग कितना कर रहे हैं, अभी 14-15 प्रयोग हो गए, आपने पहले से कितने किए, कौन कौन से किए, आपका एक्सपीरियंस किसमें क्या है। आप ये मत सोचिए कि ये ज्यादा इजी है। अब मैंने नवपद जी का सिखाया था लास्ट टाइम, तो नवपद जी के अंदर आपको मैं से कई लोगों ने बताया बहुत इजी है, नवपद का बहुत इजी है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में था तो आपने जल्दी उसको इजी मान लिया। अब ये नया पिक्चर है, ये आपकी मेमोरी में नहीं है, तो ये घड़ी के आकार का बना है। हमको 108 से मतलब है, हमको 108 नवकार गिनने, इसलिए ये अलग 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 प्रयोग करके आपको दिए जा रहे हैं। आपको जितने पहले के भी एक्सपीरियंस हुए, अभ्यास हुआ है, सबको करिए। आज एक प्रकार लीजिए, कल दूसरा लीजिए, आज दूसरा लीजिए, कल तीसरा लीजिए, फिर तीसरा लीजिए, फिर चौथा लीजिए। हम तो एक 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 प्रकार अलग अलग आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ये है कि आप धीरे धीरे मेडिटेशन में कैसे जाओगे। मेडिटेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन और स्थिरता, ये दो हमारे लक्ष्य है, तो दोनों ही बरोबर बनने चाहिए। आप मेडिटेशन में गए, दूसरे बाहर के विचार, फालतू विचार आए नहीं आपको, अब कोई फालतू विचार इधर उधर का नहीं आया तो डिस्टर्बेंस, मेंटल डिप्रेशन नहीं हुआ। अब जब मानसिक रूप से मेंटली कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है तो आपको ऊपर से आनंद आएगा। आज मुझे कोई इधर उधर का कोई विचार न आते हुए शांति से 108 नवकार। अब आप पूरी साधना 108 हो गए, अब 108 के बाद आप 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाए। अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा सा अंदर अपने अंदर निरीक्षण करो, अंदर देखिए। अब जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अंतर निरीक्षण करेंगे, तब आपको ये ख्याल आएगा आज मुझे एक भी विचार नहीं आया और बरोबर 108 नवकार हो गए। एक बड़ा आनंद आएगा आपको, फालतू विचार नहीं आया तो दूसरे आश्रव नहीं हुआ, आश्रव नहीं हुआ नया कर्म नहीं बंधा, ऊपर से कर्म क्षय की निद्रा हुई, ये हमारा इंटेंशन जो था उसके पीछे वो फिलफुल हो गया सब। आ रहा है लक्ष्य में आपको, तो ये आपको लक्ष्य में लेना है, ये आपके ख्याल में आना चाहिए, क्या करना है, कौन सा करना है। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आज दिन तक जितने प्रयोग हुए उसमें से किन लोगों ने कौन कौन से प्रयोग किए हैं, कितने प्रयोग किए, सभी प्रयोग किसने किए हैं, और सब प्रयोग में आपका सबका अलग अलग एक्सपीरियंस आपका क्या रहा, कैसा रहा। अब आपको इजी लगे या नहीं इजी लगे, जो नहीं इजी लगता है वो भी पहले करिए, और अगर आपको नहीं ख्याल में आ रहा है तो 2 बार पूछिए, जरूर पूछिए, कोई ना नहीं है। मैं वापस दूसरी बार रिपीट कर सकता हूँ, तीसरी बार रिपीट कर सकता हूँ। देखिए ये क्लासेस चालू किया है तो उसका उद्देश्य है सिखाने का। अब आप खुद सीख तो लोगे, वंस इन ए वीक हमने वीकली एक क्लास, अब एक क्लास क्यों रखा है कि आपको वापिस दूसरे दूसरे प्रयोग करना भी है। लोग कहते महाराज रोज एक एक सिखाओ, अब रोज एक एक सिखाओ आप खाली सीखते जाओगे, करोगे नहीं तो क्या। ये तो जाप ध्यान साधना की क्लास है, ये मेडिटेशन की क्लास है, तो रेगुलर आपको करनी है, और आप खुद पहले अपने आप पर प्रैक्टिस करोगे तो फायदा। आप माँ बाप है तो बच्चों को कराइए, क्या फायदा होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना उनका मेमोरी पावर शार्प होता जाएगा, इंटेलेक्चुअल लेवल उनका शार्प होता जाएगा, तो
तो उनके एग्जाम में, स्टडी में, सब में काम लगेगा सर। आप लोगों को, बड़े लोगों को भी दुनिया भर के स्ट्रेस एंड टेंशन होते हैं, तो हाउ टू रिमूव दैट स्ट्रेस एंड टेंशन। जब आप कॉन्सेंट्रेशन में आकर के शांति से करने लगोगे, तब नेचुरली आपका जो है स्ट्रेस एंड टेंशन वो खत्म होता जाएगा, घटता जाएगा, और आपको आनंद आएगा बड़ा अच्छी तरह से, बड़ी शांति से, बहुत अच्छी तरह से नवकार मंत्र का जाप हुआ। और दूसरा, हमने इसके अंदर कोई सुख दुख जोड़ा नहीं, कोई सुख दुख बाहर का इसके साथ जोड़ने। जब अंदर से पाप क्षय, सब पाप पनाशन होगा, तो ऑटोमेटिक ही आपके कर्म क्षय होने लगेंगे, और जब कर्म क्षय होने लगेंगे तो बाहर का दुख तो आएगा ही नहीं सा। आप दुख के लिए ही करते रहो, दुख निवारण सुख प्राप्ति, दुख निवारण सुख प्राप्ति इसी ढंग से करते रहेंगे, तो फिर कभी भी उसके अंदर आगे सफलता नहीं मिलेगी। आत्मिक लक्ष्य है, आत्म लक्ष्य हम कर रहे हैं साधना, तो नवकार है, इसलिए आप ये लक्ष्य लेकर के करिए, तब जाकर के आपको भी एक सेटिस्फाइड होगा कि हाँ साहब, मैंने अपने पाप कर्मों का क्षय करने के लिए इतना पुरुषार्थ किया। तो ये नवकार महामंत्र सम्यक दर्शन की साधना है, और सम्यक दर्शन की साधना है तो डायरेक्ट आत्मा के लिए स्पर्श है, हम पाप कर्मों का नाश करते हुए करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बात, ये समझ में आ गया सबके? अब जितना आपके समझ में आ गया है आप देख लो, और आपको ख्याल आ जाएगा इस तरीके से आपको करना है और इस तरीके से होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर मेरा विवेचन समाप्त करता हूँ। मैंने पूरी तरह से समझा दिया, दोनों बात हो गई। अब आपको जिनको पूछना है प्रश्न पूछिए। आप धीरे धीरे अपना म्यूट करेंगे, एक एक जना अपने अपनी तरफ से पूछेंगे।